तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से अर्थ टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले बंधन बैंक लिमिटेड इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 4 रुपए 65 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 188 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन स्टॉक ओपन होता है 184 रुपए पर, स्टॉक हाई लगाता है 188 रुपए 80 पैसे। स्टॉक अपने हाई के पास ही ट्रेड कर रहेगा। स्टॉक आज के दिन का लो बनाता है 183 रुपए 70 पैसे। तो अपने लो से देखें तो स्टॉक में लगभग 5 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो बायर क्वारंटी नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 16,61,286 क्वारंटी देखने को मिल रही है। वहीं पर सेल्स क्वारंटी देखें तो लगभग 28,16,719 क्वारंटी है। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर देखें तो काफी ज्यादा है। उसके बावजूद भी स्टॉक के प्राइस में देखें तो एक तेजी देखने को मिल रही है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 1,48,91,000 क्वारंटी देखने को मिली है। तो स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी देखें तो काफी बड़ी मात्रा में, साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक अच्छा उछाल है, जिससे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर में एक टॉप बना 201 रुपीज का। 201 रुपीज का पहले स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा था, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया तो वहां पर तो स्टॉक के अंदर एक काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी, जहां पर स्टॉक ने नीचे में 176 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट करता है, पर निचले लेवल पर स्टॉक में एक रिकवरी आती है और शॉर्ट टर्म में स्टॉक 201 रुपीज के प्राइस को रीटेस्ट करता है, यानी ऊपर एक टॉप बनाता है और वहां पर स्टॉक के अंदर फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और जो स्टॉक का पिछला सपोर्ट लेवल था 276 रुपीज का, स्टॉक उस प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक में नीचे में 117 रुपीज का एक नीचे का बॉटम बनाता है, जहां पर स्टॉक के अंदर एक लोअर सर्किट लग चुका है और फिर यहां से स्टॉक में एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक 180 रुपीज पर कंसोलेट किया और यहां से स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अब इस स्टॉक के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है वो 180 रुपीज पर है, जो आप ग्रीन कलर के निक लाइन देख रहे हैं कि स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल का। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ऊपर के टारगेट अराउंड 201 रुपीज के टारगेट जल्दी अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म की तेजी की बात करें तो जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 201 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग ले लेता है, क्योंकि 201 रुपीज स्टॉक का पिछला हाई है और वहां पर स्टॉक के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो अब इस बार फिर से स्टॉक एक बार इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग ले लेता है, जैसे यहां पर आपने देखा 180 रुपीज के प्राइस को जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, थोड़े टाइम इसके पास कंसोलिडेट किया तो यहां पर स्टॉक के अंदर एक सपोर्ट लेवल बन चुका और फिर निचले लेवल पर अब एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा। सेम ऐसा यहां पर भी बनता हुआ नजर आएगा 201 रुपीज के पास, तो स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। पर जब तक स्टॉक ऊपर 201 रुपीज से नीचे है, स्टॉक के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिलेगा ऊपरी लेवल पर। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।